हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही सुंदर एक फूल का डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 4-4 इंच के 2 पीस हैं और ये मेरे 4-4 इंच के 2 पीस हैं। ये मेरे 5.5 इंच के 2 पीस हैं और ये मेरी लंबाई इनकी 7 इंच और चौड़ाई इसकी 2 इंच। ये मेरे 2 पीस हैं। ये मेरी 5 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स, जो कि 3.3 पॉइंट की इसकी चौड़ाई है और 5 इंच की इसकी लंबाई है। ये मेरे 3.5-3 इंच के 2 पीस हैं। ये मेरा 8 इंच का 1 पीस है और 3 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये मेरा 10 इंच का पीस है और 3 इंच की इसकी यहाँ से चौड़ाई है। तो मैंने आपको इन सब का नाप बता दे दिया। अब मैं आपको इनको बारी बारी सिलना बताऊंगी। तो पहले ये पीस मेरा यहाँ रखते हैं फ्रेंड्स। ये पीस यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये पीस में हमारे 2 पीस हैं। तो हम इनको लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने लगा लिया। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको डबल शेड का पीस बनाना बताती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें ये भी बनाना है डबल शेड का। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन लगाएंगे और फिर उसी लाइन के साइड साइड में भी लाइन लगाएंगे, ताकि वे इस उस लाइन पे हम इसको सिल सकें। तो ये हमने लाइन लगा ली है। तो हमें क्या करना है, बीच के छोड़ के साइड साइड में लगाएंगे और बाद में हम इसको बीच में कट करेंगे। ऐसे ही हमें ये पीस तैयार करना है। तो मैं इन 2 पीस को भी तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम इस पीस को लेंगे। अब इस पीस को हम बीच में से कट करेंगे। ये हमारा पीस हो गया। तो हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं। तो ये हमारा कट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो पीस है हमारा, इसको हम ये देखिए, तो यहाँ से हम इसको 1 इंच नापेंगे। तो ये हमारा यहाँ से 1 इंच आ गया। तो हमने यहाँ पॉइंट कर लिया। अब हमें इस कोने से इसको इस तरीके से काटना है, लाइन लगानी है। तो हमने लाइन लगा ली और ये हमने काट दिया। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आएगा। ये हमारे 2 पीस। बाद में हम यहाँ से भी कट करेंगे फ्रेंड्स, पर पहले हम पीस को सेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 2 पीस तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बीच में से इसको कट करेंगे ताकि ये मेरा डबल शेड का पीस हो जाए। तो ये देखिए, मेरा डबल शेड का पीस हो गया। ऐसे ही ये हो गया और ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। तो मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। तो ये मेरे 2 पीस हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पीस लिया था, इसको इस तरीके से सेट करेंगे। सेट कर लिया फ्रेंड। फिर उसके बाद यहाँ इस पर रख के लाइन लगाएंगे ऐसे करके। तो ये हमारी लाइन लग गई। तो ये देखिए, ये निशान आ गया। तो हमें क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा मार्जिन रख के बीच बीच का हिस्सा हम कट करेंगे। ये हमने मार्जिन रख लिया और ऐसे ही हम ये करेंगे। तो ये हमारा जो बीच का एक्स्ट्रा पीस है, उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैं कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमें इस तरीके से ये चाहिएगा पीस। आप चाहे तो पहले काटने से पहले इसको सेट कर लें और फिर इसको काटें। तो ये देखिए, मैंने काट लिया, ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इस पे रख के सिल देंगे, ऐसे सिलेंगे, पलट देंगे, फिर हम इसको ऐसे रख के सिलेंगे और फिर पलट देंगे। तो सेम हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने यहाँ निशान लगा लिया है और यहाँ हम थोड़ा मार्जिन रख के, ये देखिए हमने मार्जिन रख लिया, और फिर ऐसे ही हम इसको भी बीच में से कट कर देंगे। फिर जो भी हमारा बीच का जो एक्स्ट्रा पीस है, उसे हम कट कर लेंगे और फिर इसको भी हम इसी तरीके से रख के सिलेंगे। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पीस सिल गए हैं, ये भी सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसको 3-3 इंच नापेंगे। तो इसको हम 3-3 नाप के इसको कट कर देंगे और इसको भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से, तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो मैं बहुत सावधानी से कपड़ा काटना है फ्रेंड्स। ये देखिए ये यहाँ से हो गया, अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इस पीस को लेंगे इस तरीके से, और फिर हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरीके से, और जो हमारा यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम इस तरीके से कर लेंगे। तो मैं पहले ये पीस आपको काट के दिखा देती हूँ, फिर मैं सफाई से ये पीस आपको काट के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे ये पीस कट हो गए हैं, अब हम इस साइज यूज करेंगे। अब ये देखिए ये मैंने इस तरीके से मोड़ लिया था, अब हम क्या करेंगे, मैंने इस पर अब हम इस चीज़ को ऐसे पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इसको करेंगे फ्रेंड्स कि इस चीज़ को इस पर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इधर इस हिस्से को कट कर देंगे और फिर ये हिस्सा हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने सिल लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, ये हमने पिनअप हटा दिया, अब हम इस जगह से इसको कट करेंगे। तो हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इस तरीके से। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर लिया, तो हमारा ये भी हो गया है। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो ये हमारा ओपन हो गया। अब ये हो गया, अब हम इसको इसके ऊपर रखकर सिलेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको साइड साइड में से निकाल देंगे। तो हम इसके ऊपर रख के इसको सिलेंगे, इसको फिर पलटेंगे फ्रेंड्स। और ये जो हमारे पीस है इसको भी हम, मैं डिज़ाइन आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से डिज़ाइन सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा डिज़ाइन सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले इसको बीच में रखेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको फिर इस पर रखेंगे, यहाँ से सिलेंगे, और इसको फिर हम इस पर रखेंगे और यहाँ से सिलेंगे। तो ये हम चारों टुकड़े ऐसे ही जॉइंट कर लेते हैं। तो हम पहले जॉइंट कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको इस पे रख के सिल लेते हैं, फिर बाद में हम इस पे इसको रख के सिलेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सिल लिया है, अब हम पहले हम इसको जो हमारा ये एक्स्ट्रा है पहले हम इसको कट करेंगे फ्रेंड्स। तो हमने ये लाइन लगा ली, अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया, और हमें इसको जोड़ना है फ्रेंड्स। तो हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड यहाँ से, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ कि जितना भी जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारा अलग हो जाए। तो ये हो गया, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम ये पीस लेंगे। तो हम इसे यहाँ रख कर ऐसे सिलेंगे, और इसको भी यहाँ रख कर ऐसे सिलेंगे। तो मैं ये भी सिल के और ये सिल के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये सिल गया बीच में, अब हम क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल बीच सेंटर में रखेंगे यहाँ से, और अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ आएगा, तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये पीस तैयार हो गया है, जब ये फ्रेंड्स यहाँ से सिलेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।